हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमेजोन पर दिवाली सेल्स चल रही है। इस दिवाली सेल्स पे दोस्तों आप स्मार्टफोन पे मैक्सिमम 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है। कितना? 10,000 का। 60,000 से लेके दोस्तों 10,000 तक के फोन्स पर आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। उन सारे फोन्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और उस प्राइस में कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये फोन वो सजेस्ट करूंगा जिनका बजट दोस्तों अंडर 16,000 हो, ठीक है। जिनका बजट 60,000 से नीचे तो वो इस फोन को आप खरीद सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों इस फोन के बारे में। तो दोस्तों ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी S22 5G स्मार्टफोन है दोस्तों। इसमें आपको 8GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने मिल जाती है। इस स्मार्टफोन की दोस्तों जो प्राइस है ना दोस्तों वो 63,000 है और इस प्राइस पे आपको डिस्काउंट जो है दोस्तों 10,000 का मिल जाता है। और साथ में अगर आप दोस्तों आप कोई ICICI बैंक का या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगा देते हो तो आपको उस पर 1,000 का डिस्काउंट और मिल जाता है। दोस्तों जी आपको नहीं करिए, आपको इस पर 11,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन दोस्तों मैं उनको सजेस्ट करूंगा जिनका बजट दोस्तों नहीं है, 40,000 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये फोन आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये फोन है दोस्तों OnePlus Note 2T 5G स्मार्टफोन और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 34,000 की प्राइस है दोस्तों। और इस पर दोस्तों आप 2,000 का डिस्काउंट मिलता है, 1,000 कूपन का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों और 1,000 दोस्तों आपका नहीं है बैंक का डिस्काउंट मिलेगा, ICICI बैंक का और एक्सिस बैंक का। आप उसका क्रेडिट कार्ड लाके आप इसे अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये आपको नहीं 32,000 का पड़ जाएगा और इस पर आपको जो इस प्राइस में जो वेरियंट आपको मिलेगा ना दोस्तों वो आपको 12GB और 256GB आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है ना दोस्तों मैं उनको शेयर करूंगा जिनका प्राइस दोस्तों 25,000 के अंडर आता है दोस्तों। ये स्मार्टफोन Redmi K55G स्मार्टफोन है। इसमें आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और आपको 8100 प्रोसेसर देखने मिल जाता है मीडिया टेक का। इसमें आपको नहीं 144 रिफ्रेश रेट भी आपको देखने मिलता है और इसकी जो प्राइस दोस्तों नहीं 25,000 है और इस पे आपको दोस्तों डिस्काउंट है ना दोस्तों वो आपको नहीं 1,000 का कूपन मिल जाएगा, ICICI बैंक का आपको नहीं 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों जी आपको जो स्मार्टफोन नहीं 21,000 का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इससे अगर आपका बजट आपका 25 से नीचे है तो आप इसको परचेज कर सकते हो उस प्राइस के अंदर। ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। ये स्मार्टफोन मैं उनको सजेस्ट करूंगा दोस्तों जिनका प्राइस नहीं है 20,000 से नीचे। तो Redmi Note 11 Pro 5G स्मार्टफोन की बात करता हूँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन आपको नहीं है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने मिल जाता है, जिसमें आपको दोस्तों 67W का नहीं है टर्बो चार्जर मिलता है और 120Hz रिफ्रेश रेट सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी देखने मिलता है दोस्तों। इस पे आपको डिस्काउंट मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपको 1,000 का कूपन डिस्काउंट और 1,500 का आपको मिलता है ICICI बैंक का और प्लस एक्सिस बैंक का डिस्काउंट। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अप्लाई करके, दोनों को में से किसी का भी नहीं है, अप्लाई करके आप ऑफर का लाभ ले सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों आपको करीब आपको दोस्तों ये फोन नहीं है जो 20,500 का ही आपको नहीं है, ओनली 18,000 का पड़ जाएगा दोस्तों। ये मैं उनको सजेस्ट करूंगा जिनका बजट अगर 20,000 से नीचे है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं दोस्तों जिनका बजट नहीं है 18,000 से नीचे है उनको ये फोन लेना चाहिए जो 5G फोन है दोस्तों। Realme Narzo 50 Pro 5G फोन है दोस्तों। इसकी रैम आपको नहीं है 6GB रैम देखने मिल जाती है और 128GB इंटरनल देखने जाती है। इसमें आपको नहीं है मीडिया टेक का 925G प्रोसेसर आपको देखने मिल जाता है, साथ में आपको 19Hz का रिफ्रेश रेट और सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जिनका अगर बजट नहीं है 18,000 से नीचे तो वो इस फोन को आप खरीद सकते हो। इस पे आपको दोस्तों नहीं है 1,350 का कूपन डिस्काउंट मिल जाता है और साथ ही आपको नहीं है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का नहीं आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। चाहे आप एक्सिस बैंक का कार्ड लगा लो या फिर आप ICICI बैंक का कार्ड लगा लो, दोनों पे आपको सेम ही डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। दोस्तों ये आपको नहीं है 16,000 का पड़ जाएगा फोन। तो दोस्तों अब हम बात करें दोस्तों Redmi 10 Pro Max दोस्तों, जिनका प्राइस भी अगर 18,000 से नीचे तो वो इसको खरीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस पे आपको दोस्तों नहीं है 1,500 का डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों और साथ में आपको ICICI बैंक और एक्सिस बैंक से भी आप 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। दोनों में से कोई अप्लाई कर लो तो आपको करीब नहीं है 2,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये फोन आपको नहीं है करीब 15,500 तक का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। 15,500 तक का मिल जाएगा आपको वो। इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल मिल जाती है और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिल जाएगी इस प्राइस रेंज। तो काफी बुरा नहीं है, अच्छा आपको 16,000 के समथिंग अगर मिल रहा है, उससे नीचे ही मिल रहा है आपको बेस्ट। अब दोस्तों ये सामान मैं उनको सेल करूंगा जिनका प्राइस दोस्तों 16,000 से नीचे प्राइस है, वो ये फोन ले सकते हैं Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाती है, मीडिया टेक का नहीं है, 810 5G प्रोसेसर देखने जाता है और 33W का आपको फास्ट चार्ज देखने जाता है और इसमें आपको दोस्तों नहीं है इंक्लूड चार्जर आपको देखने मिलेगा दोस्तों। इसकी प्राइस दोस्तों वो 16,000 है, 2,000 का डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों, एक तो 1,000 कूपन का और नेक्स्ट जो इसमें आपको नहीं है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का डिस्काउंट मिल जाता है क्रेडिट कार्ड से।
अगर अप्लाई करते हो तो आपको ये करीब नहीं है 16,000 का पड़ जाएगा। तो ये उनको मैं उनका बजट नहीं है 16,000 से नीचे है तो आपको ये 14 का पड़ जाएगा। जिनका बजट दोस्तों 15,000 से नीचे है तो वो ये वाला फोन ले दोस्तों, IQ00Z6 Lite 5G। इसमें आपको 6GB रैम और 128GB डेस्कटॉप दिख जाती है। इसमें आपको नहीं है फर्स्ट स्पैंडर्गन 4 Gen 1 आपको प्रोसेसर देखने मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और उसमें आपको 5000mAh की बैटरी दिख जाती है। और जिसकी प्राइस दोस्तों नहीं है 15,500 की प्राइस पड़ जाती है। और उसमें डिस्काउंट की बात करें तो उसमें आपको 750 रुपये का डिस्काउंट देखने मिल जाता है, और साथ में आपको नहीं है ICICI एक्सिस बैंक का भी नहीं है आपको 1000 का डिस्काउंट मिला। दोनों में से आप कोई भी कार्ड लगा लो वो सेम ही डिस्काउंट मिलेगा। बस ध्यान रहे दोस्तों वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे है, डेबिट कार्ड पे बिल्कुल नहीं है। अब ये वाला दोस्तों जो स्मार्टफोन है मैं उनको सजेस्ट करूंगा दोस्तों जिनका प्राइस दोस्तों 10,000 के अंडर है तो वो ये फोन ले सकते हैं। इसका नाम दोस्तों नहीं है रेडमी नोट 11 है दोस्तों। इसमें आपको रेडमी नोट 11, इसमें आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 90Hz रिफ्रेश रेट, वो भी AMOLED डिस्प्ले के साथ दोस्तों दिखने जाता है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर आपको दिखने जाता है, 33W का चार्जर दिखने जाता है। मतलब 10,000 के अंदर काफी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों, आप इसको परचेस कर सकते हो क्योंकि इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता ऐसा 10,000 के अंदर भी कहूँ तो। अगर 10,000 का ही बजट है तो भी आप ले सकते हो क्योंकि इसमें आपको नहीं है दोस्तों 1,000 के ऊपर मिल जाएगा, और एक्सिस बैंक का और ICICI बैंक का आपको 1,000 डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो अप्लाई करके। तो आपको ये फोन नहीं है सिर्फ 10,000 का पड़ जाएगा। तो 10,000 की प्राइस में दोस्तों बेस्ट है, आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाता है, रिफ्रेश रेट भी है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों ये फोन में उसको उनको सजेस्ट करूँ जिनका प्राइस नहीं दोस्तों नहीं है 9,000 के अंडर आता है। तो इसका जो प्राइस दोस्तों वो 8,600 रुपए है, और इसमें आपको दोस्तों 850 रुपए का कूपन मिलेगा ठीक है अगर अप्लाई करते हो, और साथ में आपको बैंक का डिस्काउंट मिलेगा, एक्सिस और ICICI बैंक का सेम ही है। अगर 1,000 लगा के आपको बड़ी आपको पड़ जाएगा 7,000 का एक फोन पड़ जाएगा ठीक है, 7,000 का फोन अप्रोक्स पड़ जाएगा। तो इनका अगर बजट दोस्तों 7,000 है तो इस फोन को आप ले सको। इसमें आपको दोस्तों फीचर की बात करते हो आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज और हीलियो G25 प्रोसेसर को देखने मिल जाएगा, और 5000mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग दिखाए तो फोन अच्छा है दोस्तों। ये रेडमी 9 एक्टिव, इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिलती है, और इसमें आपको हीलियो G35 प्रोसेसर देखने मिलता है, काफी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। ये फोन मैं उनको सजेस्ट करूंगा जिनका प्राइस नहीं है 7,000 के नीचे आता है। इसमें आपको दोस्तों 600 रुपए कूपन मिल जाएगा, और 1,000 का आपको दोस्तों नहीं है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लगा लो तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपको 7,500 तक का पड़ जाएगा। रेडमी A1 स्मार्टफोन दोस्तों मैं उनका सजेस्ट करूंगा जिनका दोस्तों नहीं है 6,000 से नीचे है, 6,000 तक का बजट है तो आप ये फोन ले सकते हो दोस्तों। इसमें आपको 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और हीलियो A22 प्रोसेसर देखने जाता है, और साथ में आपको 5000mAh की बैटरी देखने जाती है ठीक है। ड्यूल कैमरा आपको सेटअप मिलेगा, एंड्रॉइड 12 भी आपको इसमें देखने मिल जाता है। फोन का लुक की बात करें दोस्तों फोन का लुक भी काफी अच्छा है, और इसमें आपको डिस्काउंट की बात करें दोस्तों आपको नहीं है 200 रुपए का कूपन डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में आपको ऐसे ICICI बैंक एक्सिस का नहीं है आपको करीब 4-5 रुपए का उसका डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई समझ लीजिए दोस्तों करीब 5.5 तक का समथिंग आपको पड़ जाएगा ठीक है दोस्तों। इनका रेट अगर 6,000 से नीचे है तो आप इसको ले सकते हो। इन सब का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप दे सकते हो। कोई फिर भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।